जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजनीति विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो सेशन में आपने ये चीज़ समझी भी चौथे आम चुनाव के बाद हालांकि कांग्रेस की सरकार बनती है, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की उस भीतर की लड़ाई की वजह से कांग्रेस है वो दो भागों में बंट जाती है। एक कांग्रेस आर और एक कांग्रेस ओ, यानी एक पुरानी कांग्रेस और एक नई कांग्रेस बन जाती है। तो उस टाइम इंदिरा के लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सरकार अल्पमत में आने की संभावना हो गई थी, लेकिन बाहर से बाद में डीएमके ने और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने इंदिरा को समर्थन किया और जो सरकार है वो आगे चलती रही। लेकिन इंदिरा गांधी को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, उसे उसके दिमाग में ये चीज़ थी भी मुझे ये अल्पमत की सरकार नहीं चलानी है, मुझे तो पूर्ण बहुमत की सरकार है वो बनानी है। तो यानी उस लोकसभा, क्योंकि एक लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 साल से पूर्व भी, यानी लगभग 1 साल से भी कुछ टाइम पहले ही इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर दी। दिसंबर 1970 के अंदर इंदिरा गांधी ने चौथी लोकसभा भंग कर दी। अब इसका मतलब चुनाव होने थे और चुनाव अपने टाइम पीरियड से पहले होने जा रहे थे, बेहतर में होने थे चुनाव, लेकिन लोकसभा भंग होने की वजह से अब चुनाव 1971 में हुए। फरवरी 1971 में लोकसभा के चुनाव हुए जिन्हें हम कहेंगे पांचवां आम चुनाव, और क्योंकि चौथी लोकसभा का टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ था तो इसलिए हम इसे मध्यावधि चुनाव भी कह सकते हैं। तो ये कहलाया भारत का प्रथम मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि का मतलब टाइम पूरा होने से पहले अगर लोकसभा भंग हो जाती है, चुनाव होता है, तो उसे सामान्यतः मध्यावधि चुनाव है वो कह दिए जाते हैं। तो इस प्रकार आप ये पहले तो ये समझ लीजिए भी पांचवां आम चुनाव कब हुआ, 1971 फरवरी 1971 में हुआ। चलिए भाई, अब चुनाव की तैयारियां जोर शोर से स्टार्ट हो गई, कांग्रेस भी बटी हुई थी, तो कांग्रेस का बंटना है वो कांग्रेस के विपक्ष में जो पार्टियां थीं उनके लिए एनर्जी का काम कर रही थी। तो उन जितनी भी विपक्षी पार्टियां थीं, जैसे जो गैर साम्यवादी विचारधारा की और गैर कांग्रेसी पार्टियां थी, उन सब ने चुनाव से पहले अपना एक गठबंधन बना लिया, एक महाजोड़ बना लिया जो कहलाया ग्रैंड अलायंस। तो ध्यान दीजिए, ग्रैंड अलायंस क्या था, गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी पार्टियों का चुनावी जो गठबंधन था वो ग्रैंड अलायंस कहलाया पांचवें लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस ग्रैंड अलायंस की समस्या क्या थी, इंदिरा तो क्या अनुभवी थी राजनीति में, उसे कई साल हो गए थे तो काफ़ी समझ हो गई थी, और कांग्रेस क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी थी, उनकी हमेशा कोई एक अच्छी विचारधारा, उनका चुनावी मुद्दा है, कोई कार्यक्रम है देश के लिए, वो कंटिन्यू चल रहा था। लेकिन ऐसा ग्रैंड अलायंस के पास नहीं था, इनके पास न कोई एजेंडा था चुनाव लड़ने के लिए, न ही कोई कार्यक्रम था। विपक्षी पार्टी का तो जहां भी चुनाव प्रचार में जाते एक ही बात कहते, कैसे भी करो भाइयों इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, ये नारा इनका फेमस हो गया था। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, इंदिरा हटाओ नारा किसने दिया, जो विपक्षी पार्टियां थी यानी ग्रैंड अलायंस ने इंदिरा को हटाने के लिए जो नारा दिया वो इंदिरा हटाओ का, वो ग्रैंड अलायंस ने दिया। ये बात हो गई। इधर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, कांग्रेस आर जो कि इंदिरा गांधी जिसकी मुखिया थी, और दूसरी जो कांग्रेस की जो विभाजन बन हुआ कांग्रेस ओ, उसमें मोरारजी देसाई, कामराज और वो दूसरे जो प्रभावशाली यानी सिंडिकेट वाले जो प्रभावी नेता थे वो उनके मुखिया थे। तो इंदिरा को लगा कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, तो कांग्रेस आर ने, कांग्रेस आर मतलब आप समझिए भी इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, उसने सीपीआई के साथ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है वो गठबंधन कर लिया, एक ही पार्टी के साथ गठबंधन किया कि ठीक है अपने दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सीटों का अपना बंटवारा कर लिया। यहाँ इंदिरा का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था, इसके पास एक राजनीतिक मुद्दा था, एजेंडा था और देश के विकास के लिए एक कार्यक्रम था। इंदिरा जी जहां भी जाती अपना स्पीच देती चुनावी सभाओं में,
वो ये की बात बार बार लोगों को कह रही थी कि विपक्ष तो कह रहा है कि इंदिरा हटाओ इंदिरा हटाओ, जबकि मैं तो कहती हूँ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया। कौन से लोकसभा चुनाव में? पांचवें लोकसभा चुनाव के अंदर 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। ये बड़ा ही उनका राजनीतिक रूप से एक शानदार रणनीति थी। इस नारे से वो जो गरीब लोग थे, दलित लोग थे, जो भूमिहीन किसान थे, जो अल्पसंख्यक थे, जो बेरोजगार थे, जो आदिवासी जो लोग थे, उनके वोट को साधने की ये जबरदस्त रणनीति थी इंदिरा जी की, और इसमें वो कामयाब भी हुई। तो ध्यान दीजिए, इंदिरा हटाओ का नारा ग्रैंड अलायंस ने दिया, विपक्षी पार्टियों ने दिया, जबकि गरीबी हटाओ का नारा है वो इंदिरा गांधी ने दिया। इस प्रकार चुनावी कैंपेन है वो चलते रहे। अब वोट हो गए, वोट के बाद परिणाम आना था। हम परिणाम की बात करें, उससे पहले एक शानदार प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कांग्रेस आर, जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस थी, जब इस लोकसभा के चुनाव पड़ रहे थे, तो इस कांग्रेस आर पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, रिजल्ट वाला दिन आ गया है भाई। अब रिजल्ट की अनाउंसमेंट हो रही है, चुनाव संपन्न हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी आर, कांग्रेस आर इंदिरा वाली कांग्रेस को मिले 352 सीटें, और लगभग 44% वोट है वो कांग्रेस आर को यानी इंदिरा को मिले, और इसके गठबंधन की जो पार्टी थी सीपीआई उसको 23 सीटें मिली, और लगभग 4.5% के आसपास इनको वोट में मिले। तो इस प्रकार कांग्रेस आर और सीपीआई का जो गठबंधन था, इन दोनों की सीटों की बात करें तो इन्हें 375 सीटें मिली, और 48.4% वोट है जनता के वो इन दोनों पार्टियों को मिले, कांग्रेस आर और सीपीआई के। यानी देखिएगा, इंदिरा का करिश्मा देखिएगा, जलवा देखिएगा इस पांचवें लोकसभा चुनाव में, और शानदार सीटें 375 इनका गठबंधन है वो सीटें लेकर आता है और सरकार बनाता है। और वहीं जो ग्रैंड अलायंस, जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया, क्योंकि इंदिरा हटाओ का नारा कामयाब नहीं हुआ। लोगों के दिमाग में कौन सा नारा चढ़ गया? गरीबी हटाओ। सबको ये लगा भी लो जी, अब तो सब कुछ गरीबी हट जाएगी, सबको रोजगार मिल जाएगा। तो ग्रैंड अलायंस औंधे मुंह गिरता है और 40 से भी कम सीटें इसको मिलती है। वहीं कांग्रेस की जो पुरानी कांग्रेस थी, इंदिरा के अलावा जो कांग्रेसी जो लोग थे, उनकी जो पार्टी थी कांग्रेस ओ, उनको भी मात्र 16 सीट इस चुनाव में मिली, यानी वो भी औंधे मुंह गिर गए। जो सिंडिकेट जो दम भरते थे भी हम ही कांग्रेस है, उनका दम टूट गया और धीरे धीरे कांग्रेस ओ भी बिखर गई। तो अब क्या रह गया कांग्रेस में? कांग्रेस आर रह गई। इंदिरा देश की प्राइम मिनिस्टर बनती है, और इंदिरा के इस चमत्कारी नेतृत्व ने एक बार फिर साबित कर दिया था भी इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस आर है वही असली कांग्रेस है, वही असली कांग्रेस है। देखिएगा, यहां एक चीज आप देखिएगा, अगर शायद कांग्रेस में फूट नहीं पड़ती तो शायद इंदिरा गांधी को अपना प्रभाव दिखाने की जो क्षमता है, जो प्रदर्शन प्रदर्शित करने की, जो अपनी प्रतिभा दिखाने की जो क्षमता है, वो शायद लोग हैं उसको नहीं देख पाते। लेकिन विभाजन हुआ तो ये एक पॉजिटिविटी भी आई भी इंदिरा ने देश के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, और इसके साथ साथ कांग्रेस को पुनर्स्थापित किया। पिछले चुनाव में जहां कांग्रेस 300 से कम सीटों पर सिमट गई थी चौथे लोकसभा चुनाव में, वहां वापिस 350 प्लस पर आकर खड़ी हो गई, अर्थात कांग्रेस को पुनर्स्थापित कर दिया देश के अंदर। और एक चीज यहां और समझिएगा, सिर्फ दोबारा स्थापित ही नहीं किया इंदिरा ने कांग्रेस को, बल्कि कांग्रेस के नेचर के अंदर, कांग्रेस पार्टी की जो प्रकृति, जो विचारधारा पहले रही थी, उसके अंदर भी चेंज ला दिया। अब सबको एक ही लगने लगा, इंदिरा ही सब कुछ है, इंदिरा गांधी ही सब कुछ है, अर्थात कांग्रेस पार्टी को सर्वोच्च नेता पर निर्भर बना दिया। अब हर फैसला इंदिरा गांधी का फैसला होता था, इंदिरा कहेगी
तो पत्ता हिलेगा वरना नहीं हिलेगा। तो एक तो ये जो कि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको पता है जो उनका सिंडिकेट होते थे वो मिलकर डिसीजन लेते थे, अब वो खत्म हो गया, सर्वोच्च नेता पर निर्भर बना दिया पार्टी को। और दूसरा, अब जो कांग्रेस पार्टी थी वो गरीबों, महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक है उन पर निर्भर हो गई। आप देखिएगा इन्हीं के नाम पर तो गरीबी हटाओ का नारा दिया और सबसे ज्यादा इसी वर्ग ने कांग्रेस को वोट दिए, तो कांग्रेस को ये समझ में आ गई अब हमें गरीबों की, महिलाओं की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, उनकी बातें करनी है। सिंडिकेट को उसने हाशिए पर पहले ही कर दिया, उद्योगपतियों की भी परवाह नहीं की, उनको भी छोड़ दिया कि तुम नहीं, हमें तो गरीबों से मतलब है जो वोट हमें डालते रहे। तो इस प्रकार कांग्रेस पार्टी जो पहले सबको साथ लेकर चलने की बात कहती थी, मध्य मार्ग अपनाती थी, वो सब कुछ यहाँ बोनी हो गई और कुछ पर्टिकुलर जो समुदाय है उनके ऊपर पार्टी अब डिपेंड होनी स्टार्ट होगी। और पहले पार्टी में क्या था, सबको कोई भी अलग अलग अगर विचारधारा रखते थे पार्टी में तो वो पार्टी के अंदर ही अपने गुट बना लेते थे। अब इंदिरा का टाइम था तो उसने कहा भैया कुछ नहीं चलेगा, मैं जो कहूँ वही चलेगा, जिसको रहना है वो रहो, बाकी जाओ। अर्थात कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी है वो खत्म हो चुकी थी, जो इनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे वो कांग्रेस ओ के माध्यम से पहले ही यहाँ से बाहर निकल चुके थे। अब सारे परम भक्त हैं, जो पक्के भक्त जो बचे वो कांग्रेस के अंदर इंदिरा के भक्त ही बच गए, जो इंदिरा की विचारधारा से सहमत थे वही अब पार्टी में बने हुए थे या वही पार्टी के अंदर और जो लोग हैं वो जुड़ रहे थे। तो इस प्रकार आप देख रहे हो यहाँ पर पांचवें आम चुनाव के बाद कांग्रेस दोबारा स्थापित होती है, लेकिन किस स्थापना के साथ, अपने सिस्टम को भी चेंज करती है, अपने काम करने के तरीके को अर्थात अपनी प्रकृति को भी बदल लेती है। चुनाव के थोड़े टाइम बाद में ही क्या देखा, ये चीज देखी गई, जो पाकिस्तान था, जो हमारा जब देश आजाद हुआ तो उसका बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान में, पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो उस टाइम क्या हुआ, इस पांचवें लोकसभा चुनाव के बाद में भारत सरकार ने ये देखा भी जो पूर्वी पाकिस्तान है उसने पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष छेड़ रखा है भी हमें आज़ाद करो, यार कहाँ तुम रह गए, कहाँ मैं, हम तो अपना अलग देश बनाएंगे। इंदिरा ने उस टाइम बड़ा तगड़ा काम किया, उन्होंने इस संघर्ष को बढ़ावा दिया और उन्हें हर प्रकार के समर्थन दिया और सहयोग किया। इससे पाकिस्तान नाराज हो गया और पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। तो 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है जिसमें हमारा भारत जीतता है और साथ में ही एक नए राष्ट्र का जन्म होता है, जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बन जाता है बांग्लादेश और यही भारत चाहता था। तो इस प्रकार से बांग्लादेश का जब जन्म हो जाता है तो भारत के अंदर ये भी खुशी की लहर उठती है कि जिन्होंने हमारे देश को बांटा आज इंदिरा ने उनको भी बांट दिया, कि ये एक तरीके से बदला हो गया। तो जनता में और कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस ओआर के प्रति, इंदिरा के प्रति जो श्रद्धा है वो और बढ़ गई। और उसके बाद आपको पता है 1972 में विधानसभाओं के चुनाव होने थे, विधानसभाओं का चुनाव, क्योंकि पहले आपको पता है लोकसभा का भी तो 72 में ही होना था, लेकिन चौथी लोकसभा भंग हो गई तो ये एक साल पहले चुनाव हो गया और 1972 में राज्यों की विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस इंदिरा कांग्रेस को भारी सफलता है वो मिलती है। तो एक बार पुनः कांग्रेस ही कांग्रेस पूरे भारत में स्थापित हो जाती है। तो देखिएगा इस क्लास में अब तक आपने क्या जाना, भी 71वें लोकसभा चुनाव में विपक्ष और पक्ष ने क्या किया, कौन से नारे दिए, किस प्रकार से रिजल्ट रहा, किस प्रकार से भारत के अंदर कांग्रेस की पुनर्स्थापना होती है और कांग्रेस अपनी प्रकृति को चेंज करता है, बांग्लादेश का जन्म हो जाता है और 72 के विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस की शानदार जीत है वो होती है। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के लिहाज से भी ये, और उसके साथ साथ अपना ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है, लेकिन एक प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, वो प्रश्न है कि 1970 के दशक में इंदिरा की लोकप्रियता के क्या कारण थे, ऐसी क्या बातें थी भी पूरे भारत के अंदर इंदिरा 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 गांधी ही हो रही थी। इंदिरा पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी,
और चौथे लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का विभाजन होना और कांग्रेस आर को ही असली कांग्रेस कहना, नई कांग्रेस कहना। इंदिरा ने यह कहा और कहा मैं हूं वही कांग्रेस है, और ये साबित भी किया आज आपने ये समझा। तो बोर्ड परीक्षा में जब ऐसा प्रश्न आए तब अब तक जो मेन तथ्य, जो महत्वपूर्ण काम कांग्रेस के अंदर इंदिरा ने किए वो आपको इसके अंदर लिखने हैं। जैसे मेन मेन पॉइंट यहाँ लिखे हैं, ये पॉइंट ही इस प्रश्न का अपने आप में बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आंसर है। तो लोकप्रियता का कारण एक तो ये हो गया प्रीवी पर्स की समाप्ति, राजा महाराजाओं को जो निजी संपत्ति और जो भत्ते दिए जा रहे थे उनकी समाप्ति करना, ये इनकी लोकप्रियता का बहुत बड़ा फैक्टर था। इसके साथ ये अभी हमने बात की गरीबी हटाओ का नारा, जिससे उन्होंने गरीबों, अल्पसंख्यकों और जो दलित थे और जो भूमिहीन जो किसान थे, जो महिलाएं थी, उनको सपने दिखाने स्टार्ट कर दिए। एक तो ये भी लोगों की जुबान पर बहुत चढ़ा, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने दिया था। और गरीबों के लिए इसने विशेष कार्यक्रम चलाए, बेरोजगारों को रोजगार का वादा किया था, भूमि सुधार पर काफ़ी जोर दिया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। आपको पता है इसने एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। राष्ट्रीयकरण का मतलब था भी ये 14 जो बैंक थे पहले प्राइवेट थे और सरकार ने इनका अधिग्रहण कर लिया, यानी उनको सरकारी बैंक बना दिया। तो 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण करना एक बहुत बड़ी बात थी। भूमिहीन की जो किसान थे जिनके पास जमीन नहीं थी उनको भी सुविधाएं दी गई, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूस्वामित्व था उसका भी परिसीमन किया गया, यानी फिक्स की गई भी कितनी जमीन है वो आप रख सकते हो। और उसके साथ साथ जब 1971 का भारत पाक युद्ध होता है और भारत का जीतना और बांग्लादेश का जन्म होना, ये तो इंदिरा गांधी के जो कहूँ भी नेतृत्व का चरम बिंदु था, पर उसके जो कहें लोकप्रियता का चरम बिंदु था ये तो, और चमत्कारी नेतृत्व था। और समाजवादी नीतियों को अपनाना, यानी जो सरकार है वो गरीब जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क है वो करे, इस प्रकार की नीतियां अपनाना। तो ये कुछ वो प्रमुख बिंदु है जिनकी वजह से 1970 के दशक में इंदिरा है वो देश के अंदर बहुत लोकप्रिय होती है। सिर्फ चहूँ और एक ही नाम रहता है इंदिरा इंदिरा, और जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है अब तक। हर कोई ठीक है, इन्होंने बाद के समय के अंदर बहुत कुछ उल्टा पुल्टा भी हुआ जो अगले चैप्टर में हमें सीखने को मिलता है, भी देश के अंदर आपातकाल है वो लागू होता है। इंदिरा जो सांसद बनी थी जहां से, वहां से इनको कोर्ट के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से निलंबित कर दिया जाता है, भी आपका चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं था। तो नैतिकता तो ये होती थी, होनी चाहिए थी भी, इन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने देश के अंदर आपातकाल लगा दिया। फिर इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी को लेकर विपक्ष ने खूब प्रचार प्रसार किया और जनता को भी ये बात समझ में आई भी ये आपातकाल गलत था। तो कहाँ इस चुनाव तक कांग्रेस के अंदर, देश के अंदर चारों ओर इंदिरा ही इंदिरा की लोकप्रियता थी, और वही 1975 तक जाते जाते धूमिल हो जाती है। और आगे एक ऐसा समय आता है जब कांग्रेस हारती है, पहली बार जब छठा चुनाव होता है तो कांग्रेस औंधे मुंह गिरती है, और मोरारजी देसाई जो कब शास्त्री जी के टाइम से देश के प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना संजोए बैठे थे, वो जनता पार्टी की ओर से देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो राजनीतिक उठा पटक है वो चलती रहती है, और यहाँ तक हमें पांचवें लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस का वर्चस्व किस प्रकार कायम रहा वो समझना था, वो हमने अच्छे से यहाँ जाना है। और एक प्रश्न आपसे पूछा है भी इस पांचवें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आर पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो पॉज करके इन नोट्स को अपनी कॉपी में उतारिएगा, आनंद आएगा, बहुत ही एक कहानी की तरह चल रहा है। बस कुछ एक बातें मेन हैं वो आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखनी है। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।